चलिए फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं रिया जी का मायके, दादी का मामा है। और रिया जी के मम्मी जी यानी सासू बाबू का भी गोदी लिए हुए हैं। कैसा लग रहा है जी? देखिए बाबू को गोदी लिए हुए हैं, बाबू का नानू। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से और एक न्यू ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज काफी खुशी के दिन है कि आज रिया जी को लेकर के जाने वाले हैं इनका मायके, यानी कि मेरा ससुर घर और चांदनी का मामू घर, बाबू का भी मामू घर। बाबू को भी पता नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हमें कोई बताया था कि इनका मम्मी का मतलब मेरी सासू माँ का तबीयत सही नहीं है। तो देखिए अगल बगल तो है ही, क्योंकि हमारा हाट बाज़ार मार्केट सब एक ही पड़ता है, तो कोई लोग हमें बताए थे और सुनने के बाद अगर हम लोग ना जाए तो सही भी नहीं है, क्योंकि उधर से फोन हमें आएगी नहीं, कोई तो हमें बताया नहीं, क्योंकि हमारी बात विचार होती नहीं है। तो आज हम लोग जा रहे हैं और हमारे साथ काफ़ी सारे अभी भैया लोग भी हैं, सौरभ भैया है, अमर भैया है, फिर एक मेरा दोस्त है और एक दोस्त है, फिर काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं अकेले, मतलब गए नहीं है। इससे पहले बार भी गए थे और भी सारे लोग थे, इस बार बस और भी सारे लोग हैं हमारे दोस्त यार, इतने लोग के साथ जा रहे हैं, कुछ भैया लोग भी है साथ में। तो इधर रेडी कर रहे हैं बाबू को, कपड़ा पहना। हाँ, और जब भी मायके की बात आती है तो थोड़ा सा इनको ही मतलब खुशी फिलाती होगी कि बहुत ही कम जाते हैं हम लोग, बहुत ही कम। अरे बाबू हंस रहा रे, ए देखिए चांदनी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, सबसे ज़्यादा ना चांदनी रहती है जाने के लिए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए कोई नहीं, सिर्फ इनको आता है गुड मॉर्निंग बोलने। गुड इवनिंग, झूठा नहीं जाना। हाँ चल कोई नहीं, हम आवे जल्दी है ना, जल्दी जाए क्या हो। और एक भैया का गाड़ी है तो वो गाड़ी लेकर के आए हुए, ब्लैक है, कौन सा गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, बाहर में खड़ा रोड में, वही भैया लेके आए हैं, वही उन्हीं लोग लेके आए हैं, तो अभी चलेंगे। चल चल चलिए। तो बाबू के इधर टीका उका लगा दे रहे हैं, नानी घर जाएगा और ये फर्स्ट टाइम जाएगा, और रिया जी सेकेंड टाइम जा रहे हैं मैरिज के बाद, और चांदनी का भी सेकेंड टाइम, पहले बार गए थे चांदनी सो गई थी ना, चांदनी सो गई थी पूरा शादी में गई थी, पूरा सो गई थी। चलिए रिया जी का पायल, चांदी का पायल है। अरे बाबू लगा दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं। चलिए चलिए चलिए। ए आसा आसा आसा। अरे कहाँ बाबू, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ओए कहाँ जा रहे हो? अरे 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 उल्टी कर लिया बाबू। अच्छा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा, थोड़ा सा प्रॉब्लम। चले बाबू रेडी, इन लोग रेडी हो गया। अरे अरे स्वेटर पहनो, स्वेटर पहनो, जैकेट पहन लो, ठंड लग रहा। क्या हुआ लाओ? अरे वहाँ अच्छा से नहीं है, खोलो खोलो, अच्छे से घुसाओ। हम लोग रेडी हो गए, झोला में कुछ सामान ले रहे हैं, बाबू कपड़ा वगैरह, और रिया जी अपना ले ले रहे हैं कपड़ा, स्वेटर वगैरह, और हम ले लिए मिठाई वगैरह, ले लिया उधर ही। हाँ ले लिए, चलो बेटा चलिए, सब हो गया। तो चलिए हम लोग रेडी हो गए बढ़िया तरह से जाने के लिए, और बाकी सभी लोग हैं इधर ही, भैया लोग भी घर को लगाते हैं, फिर चलते हैं। नानी घर में ही है, बस घिरका दे रहे हैं, इसको घिरकाना बोलते गाँव सटा दे। चले चलिए, ये सामान है तो गाड़ी वहाँ रोड में रखा हुआ, तो चलते हैं, और भैया लोग भी बाहर में ही है। चलो बाबू चलो चलो, कहाँ जा रहा है? नानी घर। बाबू फर्स्ट टाइम आज नानी घर जा रहा है, दोस्तों लोग गलत सामान वहाँ ले लिए और पहली बार जा रहे हैं। चलिए चलिए लगा दें। चलो चांदनी चलो चलो आ जाओ। चलिए हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, तो अभी इंतजार कर रहे थे भैया लोग का। और देखिए उधर से आ रहा है अमर, चांदनी, बाकी इधर अमर भैया, सौरभ भैया, आनंद जी, सभी लोग जा रहे हैं। चलिए क्योंकि अकेले तो जाते नहीं, आप लोगों को पता ही है, जब भी जा गए ना आप साथ में थे इससे पहले बार भी, बिल्कुल बिल्कुल, अमरवा नहीं था, अमर नहीं था।
सेकंड बार अमर नहीं अमर नहीं था, अमर गया ही नहीं था। तो चलिए अब चल रहे हैं यहाँ से सीधा ससुराल अपना। बाकी यहाँ का जो नेचर है ना सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोग चल गए थे बेर खाने के लिए, देखिए हमको भी ला के दिए ताज़ा बेर। चलो ए बाबू कहाँ जा रहे हो, फर्स्ट टाइम ना? बाबू को भी कोई पता नहीं कि क्या है नहीं है, कहाँ जा रहे नहीं जा रहे। चलिए हम लोग सभी लोग जा रहे हैं अभी अपना ससुराल गया जी का मायके, बगल में ही है रोड में गाड़ी खड़ा है, तो गाड़ी में चढ़ना और सीधा पहुँच जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं है, हाँ 15-20 मिनट का रास्ता है। हाँ गाड़ी में, हाँ कितने लोग जा रहे हैं, क्या हुआ? कोर चलो चलो बाबू का चूसने वाला। और अभी आ गए भी हम लोग ये घर के पास, और देखिए नानी जी भी हैं। घर छुट्टी हो नानी, आना। हाँ आओ आना, चलना है डीजे भाई का ससुराल। चलिए आते हैं रोड के पास, लोग पहुंच गए गाड़ी में। 40 से ज्यादा एक्साइटेड जाने के लिए, और अभी लोग रोड तक अभी पहुंच गए हैं, वहीं से गाड़ी चढ़ेंगे और गाड़ी यहाँ पे खड़ा है। रोड तक अभी आ गए और हमारा गाड़ी यहाँ खड़ा है। देखिए ये स्कॉर्पियो चला, और अभी गाड़ी के पास आ गए, और ये देखिए मिठाई वगैरह सब लेके आए हैं। और देखिए मिठाई वगैरह ले ली है सब यहाँ रखा हुआ गाड़ी में, और ये गाड़ी है। चलिए इधर भैया है, सही भैया लोग इधर ही हैं, बैठिए। तो चांदनी चलिए, इन लोग बैठ गए, अभी मिठाई को रखिए। ठीक है भैया, चलिए भैया ऑल द बेस्ट। ओके चलिए आगे आगे आप लोग भी चलिए। और एक गाड़ी है तो वो आगे है, तो आगे और भी लोग जाएंगे। देखिए इतने सारे लोग हैं, और दोस्तों गाड़ी में बैठ गए और अभी हम लोग चल रहे हैं। देखिए बाबू खेत खलियान को देख रहा है, और देखिए इधर खेत खलियान दिख रहा है ना, और वो देखिए बगल में जो पहाड़ दिख रहा है ना, नहीं वो तो ज़्यादा दूर हो जाएगा। हाँ। उसके नज़दीक में ये जो खम्बा वगैरह दिख रहा है वही है इसका मामू घर, बाबू का ना, मेला। आ, मेला बाबू का मामा का नहीं है, मेला देखने। आ? मेला, मेला देखने नहीं, ऐसे ही जा रहे नानी को देखने। मेला, अब इसको नहीं मालूम है बाबू का। कैसा लग रहा है तुमको, कैसा लग रहा चांदनी? चलिए अभी हम लोग पहुँचने चले एक चौक के पास, और यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, उतना भी दूर नहीं है। हाँ जब भी हम लोग जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती है चांदनी। रुको बेटा डर लग जाएगा, चांदनी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती है क्योंकि उस बार चांदनी सो गई थी। हाँ उस बार सो गई थी, इससे पहले बार जो हम लोग गए थे चांदनी सो गई थी, ये सेकेंड टाइम जा रहे हैं। और चांदनी भी करते रहती है मामा घर तो आज फाइनली लेके जाए। देखिए पुलिस वगैरह यहाँ पे है, ये चेक पोस्ट की क्या पड़ता है वो है। हाँ बाबू को तो नहीं मालूम अभी क्या है नहीं है, ये बाबू बड़ा हो जाएगा तभी बोलेगा। बाबू को क्या पता? बाबू को नहीं पता है, बाबू को नहीं मालूम, नहीं मालूम बाबू को। अले पिकु, पिकु। क्योंकि दोस्तों हर एक का इच्छा रहता है अपना जाना क्या कहते हैं मायके, लेकिन देखिए इधर देखिए पुलिया आ गया, यही पुल हम लोग आते हैं। सवर्ण रेखा नदी है, ये पार अभी हो रहा है नदी, ये नदी के इस पार है हमारा गांव, और इस इधर उधर मतलब इस पार उस पार है। चलिए अभी हम लोग पहुँचने चले नदी से, तो पार हो गए है ना। हाँ तो अभी हम लोग पहुँचने चले नदी से पार हो गए, देखिए यही गांव है, यहीं से मिलना शुरू हो जाता है गांव। देखिए ये सब जो गांव है ना यहीं से मिलना शुरू हो जाता है। हाँ ये देखिए ये गांव है, रोड किनारे में नहीं है घर, अंदर घुस करके। हाँ। ये देखिए हम लोग तो अक्सर आना जाना करते थे इस रास्ते से, लेकिन हम लोग अंदर उतना जाते नहीं थे। और आप सभी लोगों को भी थैंक यू कि अगर यहाँ भैया ये लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है। हाँ देखिए इस ये जो पीछे रोड है, ये वाइट वाला रोड है, यहाँ से अंदर जाना है। और रिया जी ये स्कूल से पढ़े हैं, देखिए ये स्कूल है ना, रिया जी ये स्कूल से पढ़े हुए हैं। ये देखिए ये स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है ना, नहीं ये मिडिल स्कूल है, इसके बाद हाई स्कूल गए थे। और दोस्तों आप सही लोगों को भी थैंक यू दिल से कि अगर क्या कहें, आप लोगों को तो पता ही है कि कितने सारे लोग हैं जो लव मैरिज किए हुए हैं, और एक्चुअल सपोर्ट नहीं मिल पाता परिवार को बढ़िया, तो मतलब परिवार तरफ सपोर्ट नहीं मिल पाता। हमारी भी लाइफ में ऐसे ही थी, जब भी हम लोग आते हैं ना पुरानी लाइफ को हम लोग याद करते हैं तो दिल से मतलब काफ़ी ख़राब फील होता है। आज अगर हम लोग इस जगह तक ना होते
आप लोग का प्यार ना मिलता, हम लोग मतलब इस जगह ना होते, यूट्यूब में ना आते तो पता नहीं आज आप लोग कहाँ होते क्या होते हैं। खैर लक है, किस्मत है, भाग्य है, जो किस्मत में लिखा है वो ज़रूर मिलेगा, बाकी अपना मेहनत भी है। हाँ। तो सभी लोगों को थैंक यू, बाकी जो किस्मत में तो मिलता ही है। चलिए फिलहाल पहुँच गए, देखिए गाँव के लोग पानी उनी अभी भर रहे हैं। ये भी प्योर गाँव है, पूरा ही गाँव देखिए, खपल के घर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, देखिए पूरा ये गाँव लोग हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, देखिए इधर बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे, काफ़ी प्यारा गांव है, इसे हमारा गांव से भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। देखिए इधर लोग हैं, काफ़ी प्यारा गांव है, मतलब ज़्यादा इस गांव में ना ज़्यादा खापल के ही घर हैं ज़्यादातर, है ना। और जब भी आते हैं मतलब अजब से हमें मतलब क्या खुशी फील होता है, क्योंकि एक समय था कि हम लोग आते नहीं थे और आज आ रहे हैं, तो कितना क्या बोले खुशी का अंदर से इस चीज़ को हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का सपना होता है ना लेडीज़ का कि मायके जाना मायके जाना, लेकिन वो चीज़ हमारी पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम तो चले मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन रिया जी का पता नहीं, जो एक लेडीज़ होंगे जो एक सिस्टर होंगे उनको पता होगी कि कैसा फील होता होगा जब अपने माँ बाप से नहीं मिलते होंगे, और इनके अपने पापा जब गुजर गए थे तब भी आ नहीं पाए थे। खैर उस बात को छोड़ते हैं, क्योंकि वो बिता हुआ बात है, क्योंकि हर एक का एक दशा नहीं होता, हर एक इंसान का एक जैसा स्थिति नहीं रहता है। जैसे अभी हमारे पास सब कुछ हिसाब से भी लोगों को पता है, गांव का लोगों के लिए जितना होना चाहिए जो होना चाहिए, लेकिन क्या बोले कभी भी किसी को गरीब समझ करके या किसी को भी टॉर्चर या अत्याचार या क्या कहें हीन भावना से कभी नहीं देखना चाहिए, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लाइफ का ये लोग तो देख रहे हैं, हमारे अगल बगल के लोग भी देख रहे हैं, गाँव के लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक समय हमें लोग कितना कुछ नहीं बोले थे, हम लोग जब वीडियो बना रहे थे तब भी कितना कुछ नहीं बोले थे, लेकिन आज आप लोग तो रिजल्ट देख रहे हैं। देखिए फिलहाल अभी पहुँचने चले दोस्तों, क्या बोले कैसा लग रहा आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अरे बाबू भी देख रहा है। हाँ बाबू भी देख रहा है। और ये देखिए, ये देखिए फिलहाल पहुँचने चले, पहुँच देखिए आपकी सैया मगे कौन है? हाँ। ये खड़ी थी ना। हाँ। अब इनका अपना गांव है तो बहुत सारे यहाँ लोग हैं। देखो बे। अरे रुको रे चांदनी, अरे दुकान है रे, अयो। और ये देखिए सरस्वती मंडप है, यहाँ पूजा पाठ होती है, आगे थोड़ा चलिएगा, देखिए इधर मिट्टी के घर है। हाँ बस 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 बस, यस यस सही है, यही है। चलिए फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये देखिए वो घर खुला लग रहा है। चलिए फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, बाकी हम लोग शादी में जो आए थे ना, देखिए ये वाला घर था, ये बगल में जो घर देख रहे हैं यही घर में शादी था जब हम लोग आए थे, है ना। चलिए फिलहाल पहुंच चुके, गाड़ी तो यही रहेगा ना, मिठा ले जाओ। चलिए फिलहाल अभी लोग पहुंच चुके हैं रिया जी का मायके, दादी का मामा है, तो दोस्तों फिलहाल अभी लोग पहुँच चुके रिया जी का मायके, और ये देखिए चांदनी और रिया जी के मम्मी जी यानी सासू माँ बाबू का भी गोदी लिए हुए हैं, कैसा लग रहा जी? देखिए जरा हमारे भाई वो चेयर वगैरह कर रहे हैं, क्या हुआ बेटा रूम काट रहे? देखिए बाबू को गोदी लिए हुए हैं, बाबू का नानू अले बाबू का अले। चलिए झोला रहा है तो चलिए आज की वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होते हैं, उसे लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बाकी प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।